जैसे कि आप देख ही रहे होंगे मेरे इस साइड में पीकेवी दालमी थ्री फेज और इस साइड में पीकेवी दालमी सिंगल फेज। तो फ्रेंड जैसे कि आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए यह हमारी घरेलू लाइन पे चल सकता है क्योंकि यह सिंगल फेज में है, यह हमारा थ्री फेज में है, इसमें हमें थ्री फेज लाइन लेनी पड़ती है। तो दोस्तों आज मैं आपको पूरी जानकारी इस 3 HP पीकेवी दालमी मशीन की देता हूँ कि यह मशीन जो है मशीन सेम होती है, सिर्फ हमें इसकी मोटर चेंज करते हैं। यह मशीन का डायमेंशन और पूरे साइज और कैपेसिटी सब एक ही जैसी है, सिर्फ इसमें हम लोगों ने थ्री फेज लगा रखी है मोटर, इसमें सिंगल फेज लगा रखी है, यही फर्क है। तो फ्रेंड यह मशीन का मैंने इसका पहले भी आपको लाइव डेमो डाला हुआ है, दाल किस प्रकार बनाती है। भारत देश के लिए बहुत बढ़िया बिजनेस है, हमें अपने भारत में हर जगह मूंग तुअर चना मसूर हर सब प्रकार की दालें मिल जाती हैं। तो फ्रेंड आप भी यह मशीन खरीद सकते हैं, इस डिस्क्रिप्शन के नीचे जो हमारा नंबर चल रहा है उस पर आप फोन करके हमारी यह मशीन ले सकते हो। तो फ्रेंड मशीन जैसे कि आपके सामने खड़ी है तो मैं इसकी कुछ जानकारी आपको दे देता हूँ। इसमें हम सबसे पहले इसमें मेन जो पार्ट होता है दाल मिल में रोल मशीन होती है, रोल मशीन के अंदर एक एमरी रोल लगा हुआ होता है, उससे हम छिलका मटेरियल पे से छिलका छुड़ाने का काम करती है। तो पहले हमें इसमें डाल के यह माल हमें ग्रेडिंग करना पड़ता है, ग्रेडिंग करके हमारा माल जो है यहाँ हमें मिल जाता है, फिर वही माल हमको रोल मशीन जो मैंने आपको बताया छिलके के लिए है, छिलके मशीन की छिलका छुड़ाती है इस मशीन से अपना यह माल आता है। तो छिलका हम यहाँ आता है, यह पाइप द्वारा ये साइकिल ये डस्ट कलेक्टर जो है इस साइक्लोन में छिलका दे देता है, वो छिलका हमारा यहाँ आके जमा हो जाता है। तो इस तरीके से हमारी पहली प्रक्रिया हो जाती है। तो फ्रेंड आप देखते होंगे यहाँ हमने टू जाली का एक खटखटा मशीन दे रखी है, वाइब्रो सेपरेटर दे रखा है एक छोटा सा, जैसे कि आप देख ही रहे होंगे मेरे ये मेरा हाथ रखा हुआ है इस पर। तो अब हमें ज्यादा कम ज्यादा छिलका किस तरीके से सेट करना है इसके लिए हमने एक वाल दिया हुआ है यहाँ पर, और तेल पानी मिक्स करने के लिए फ्रेंड देख ही रहे होंगे आप मैंने एक यहाँ पर वाल दिया हुआ है, जिससे आप कितना भी तेल पानी कम जाए, जितना माल में तेल लगाना है पानी लगाना है वो आप यहाँ से कर सकते हो। ये पाइप द्वारा उसमें माल जाता है, इस वर्म द्वारा वो मिक्स होता है, इसमें पंखड़ियां लगी हुई है वो मिक्स होके माल हमारा यहाँ गिरता है। तो आपने देखी होगा पूरी प्रक्रिया क्या है, यहाँ हमने गार्ड दिया हुआ है क्योंकि माल इस तरीके से यहाँ डालते हैं तो किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं होना चाहिए उसके लिए, वो सेफ्टी को हमने ध्यान रखते हुए हर चीज का हमने यहाँ पर ध्यान दिया है। यहाँ एक गाइड लगाया है।